Hey guys, hi. So let's begin today's topic. First topic, Euphoria Series 1 2019. Okay, Asians ke baare mein, Euphoria Season 1 ke baare mein, bahut sari cheeze hai baat karne ke liye, bahut matlab unlimited series hai, cheeze hai baat karne ke liye. Lekin first thing first, it's all about drugs, it's all about sex, it's all about violence, okay? जो कुछ आज के यंगस्टर्स की लाइफ में मोस्ट ऑफ द थिंग अफेक्टेड है, जिसके बारे में हर एक कंट्री में इसके बारे में अवेयरनेस चल रही है, और वो चीज़ है ड्रग्स. सो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीप रूट तक जाके ये वेब सीरीज़ बात करती है. एक्टिंग की बात करेंगे तो जेंडेक एक्टिंग लाइफ की बेस्ट एक्टिंग है. स्पाइडरमैन में उसको मैंने देखा था, स्पाइडरमैन 1 and 2, आई डोंट लाइक दोज मूवीज, बट इसमें उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है उसके लाइफ का. कमिंग बैक टू द यूफोरिया, एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगर आपको जानना है, इफ़ यू वांट टू नो कि ये जो सारी चीज़ें चल रही है आजकल, हम बोलते हैं ड्रग्स के बारे में, हम बोलते हैं डिप्रेशन के बारे में, हम बोलते हैं सेक्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन जो सोसाइटी में चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग, मैं जस्ट टीनेजर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, या फिर जो सीरीज में दिखाया गया है जस्ट अबाउट टीनेजर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं. आई एम सेइंग इन ओवरऑल जो कोई सिचुएशन है, सारे वर्ल्ड में जो कोई सिचुएशन है चल रही है, अब्यूज, इन सभी चीज़ों से, वायलेंस से रिलेटेड, कन्फ्यूजन अबाउट सेक्सुअलिटी, ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही हैं, ये वेब सीरीज उन चीज़ों को कंक्लूड करने का ट्राई करती है इन हिज इट्स ओन वे. एक्टिंग वगैरह सब कुछ बेस्ट है. वन थिंग अगेन बोलूँगा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट है इसमें, बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड वायलेंस तो है ही है. अभी ये चीज़ें आती है तो मैं ये बोल रहा था कि आपने अगर बुक स्मार्ट देखी है, आपने अगर टॉल गर्ल देखी है, तो यूफोरिया, जेंडिया की यूफोरिया, उसी का अपोजिट वर्जन, एक्सट्रीम डार्क वर्जन है. आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी, तो स्ट्रेंजर थिंग्स में कैसे दो पैरेलल यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स में लोग अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, इन सेम पैरेलल यूनिवर्स में कुछ डेंजरस घोस्ट है, सारी चीज़ें एकदम अपोजिट है. सेम वे में अगर आपने टॉल गर्ल देखी, बुक स्मार्ट देखी, या फिर कोई भी ऐसी कॉमेडी अच्छी खासी स्कूल गर्ल टीनेज से रिलेटेड, सकारात्मकता से रिलेटेड अगर मूवी देखिए, तो उसी का एग्जैक्टली प्रैक्टिकल यट अपोजिट साइड आपको दिखाती है यूफोरिया. हर एक को जो कोई मैच्योर इनफ है, जो कोई अपने लाइफ में उतना मैच्योर है, उसको मैं रिकमेंड करूँगा, डेफिनेटली जाके देखिए. एंड इट्स नॉट फॉर क्या बोलेंगे उसको, द पीपल हु आर ओवर सेंसिटिव, उनके लिए बिल्कुल नहीं, जस्ट डोंट वॉच. यूफोरिया एक मेंटालिटी है, एक साइकोलॉजी है. अब वो साइकोलॉजी अच्छी है बुरी है वो अब देखने के बाद ही डिसाइड करो. एंड साइकोलॉजी होती है अच्छी बुरी, हमारी खुद की थिंकिंग होती है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है. सो दिस सीरीज यूफोरिया 2019 जस्ट इस चीज़ के बारे में बात करती है. एंड उन्होंने स्टार्टिंग में भी कहा, यूफोरिया टॉकिंग अबाउट सेक्स, वायलेंस, ड्रग एडिक्शन, डायरेक्टली बोला, ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं इनके लाइफ में, उन सभी चीज़ों की प्रैक्टिकल लेकिन डार्क एस्पेक्ट जो कोई रहती है उसके बारे में बात करती है यूफोरिया 2019 सीज़न 1. तो ये है ब्रीफ इसके बारे में. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो वीडियो उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सीज़न 1 में 8 episodes है, अराउंड 1 hour 45 to 1 hour के टाइम के हैं. सो डिटेल्स में बात करने जैसे ऐसी कुछ चीज़ नहीं, बस इतना ही बोलूँगा, ये डार्क साइड आपको दिखाती है बट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक. दैट्स इट अबाउट यूफोरिया. प्लीज़ 101% चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट यूफोरिया. अगर आपने देखने जा रहे हो, देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पीस.